से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास एट, हाउ आर यू बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपका लेसन मेटल और नॉन मेटल चल रहा था और उसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एक्सप्लेन की थी कि सोनोरिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मैंने आपको कंफर्म किया था। ठीक है, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आपकी बुक आपके सामने है, बुक अपनी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसकी स्टडी करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, शुरू करते हैं। ये आपका हेडिंग लगा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें आपसे कह रहा है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की। मेटल का मतलब आप समझ गए, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये सारी आपकी मेटल्स होती हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपकी मेटल्स हैं, आप जानते हैं। तो सबसे पहली बच्चों इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी बर्निंग का क्या मतलब है, कम्बस्चन से क्या मतलब है। कम्बस्चन से मतलब बच्चों कुछ नहीं, केवल इतना है कि आखिर उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन क्या है। तो बिल्कुल सिमिलरली है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है। ये कहीं भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले कम्बस्चन ही आता है। कम्बस्चन का मतलब ऑक्सीजन का मिक्स होना, और मेटल में बिना कम्बस्चन के ही ऑक्सीजन मिक्स होती है। क्योंकि मेटल को अगर आप एयर में छोड़ते हैं तो एयर में आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये मेटल कैसे रिएक्ट करता है बच्चों। ठीक है, चलिए। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स व्हेन कम्बाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट लाइन है। लगभग सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो एक ऑक्साइड बनाती हैं। ये बच्चों अब सब्सटेंसेस हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा चूँकि 9th-10th में बहुत सारे ये आने वाले हैं। तो ऑक्साइड नाम का ये सब्सटेंस बनाएंगी। अब मेटल ऑक्साइड बनता है किसी भी मेटल के साथ, ठीक है। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। आपने एसिड बेस पढ़ रखा होगा, तो उसमें एसिड और बेस दो नेचर पाए जाते हैं, तो जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड दोनों बनाएंगे, मेटल भी और नॉन मेटल भी, लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, समझ रहे हैं ना। द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक एंड द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक, ओके। चलिए अब आप देखो यहाँ से सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तीन मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये वेरी एक्टिव मेटल हैं। एक्टिव का मतलब बच्चों क्या होता है कि आपने इनको निकाला नहीं एयर में, कि तड़ से एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। दे आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन मेयर एक्सपोजर टू एयर एट रूम टेम्परेचर, यानी इन्हें हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी आपस में जब चीज़ें मिलती हैं तो केमिकली मिलती हैं। केमिकली मिलाने के लिए जनरली हम लोगों को क्या करना होता है, हीट कराना होता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर जो तीन मेटल हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये इतनी एक्टिव हैं कि बिना हीट कराए ही रूम टेम्परेचर, यानी बिल्कुल ऐसे ही रूम में आप खुला रख दीजिए, वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगी। इसमें ही बच्चों जो सोडियम होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है। दिस एक्सप्लेन वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केवल यही कारण है कि सोडियम को हम लोग खुला नहीं रखते हैं। लैब में जब भी आप जाओगे तो वहाँ केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में सोडियम रखा हुआ मिलेगा, छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि ओपन आप रख नहीं सकते। वाटर के साथ बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। आप इसका बहुत छोटा सा पीस, सरसों के दाने के बराबर का पीस आप वाटर में डालिए, देखिए किस तरीके से राउंड करता है, बहुत तेज राउंड करता है, जलने लगता है। अगर बड़ा पीस होगा तो वो एक्सप्लोजन कर देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए सोडियम के जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उनको हम केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। वी केप्ट सोडियम इन द केरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट टू द एयर, ठीक है। मेटल सच एज मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक, लेड, एल्युमिनियम आर कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड वेन हीटेड इन एयर। और बच्चों ये जो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये ऑक्साइड में कब बदलते हैं, जब इनको एयर में हीट किया जाता है, ठीक है। अब हीट का मतलब क्या है, हीट आप इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप अगर एल्युमिनियम को बर्न कर दें आप देखेंगे बहुत डैशिंग हो जाता है, चमकने लगता है। मैग्नीशियम बच्चों जो होता है वो बहुत डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है एयर में,
आप उसका एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको बर्न कीजिए एयर में। तो आपने दीपावली में वो फीते नहीं आते हैं फुलझड़ी वाले फीते, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रैकर मटीरियल होता है, तो देखिए कितना डैजलिंग फ्लेम निकलता है, चमकदार रोशनी निकलती है, उसके साथ ही जलता है। और जलने के बाद जो ऐश बचती है बच्चों वो ऑक्साइड होती है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम का ऐश है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, अगर एल्युमिनियम का ऐश है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, जिंक का ऐश है तो जिंक ऑक्साइड होगा। तो बच्चों ये जो मेटल्स होती हैं ये, अच्छा बच्चों आप बिना हीट के भी कन्वर्ट होती है। आप देखते हो कि जो आर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी होती है सिल्वर की बनी हुई, आप सिल्वर की चैन पहनो, या हमारे आपके घर में जो लेडीज़ होती हैं वो पायल वगैरह सिल्वर की पहनती हैं, तो आप देखिए कुछ दिन के बाद वो डल हो जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, उनकी चमक चली जाती है, तो उन पर ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जो कि एयर से रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब क्या है बच्चों यहाँ पर, यू मस्ट हैव लर्न द मैग्नीशियम व्हेन बर्नड इन एयर कम्बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको फार्मूले भी याद रखने, जब मैग्नीशियम मेटल जो होता है जब ये मिक्स होता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। एल्युमिनियम इज आल्सो फेयरली रिएक्टिव मेटल बट लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। एल्युमिनियम जो है इससे लेस रिएक्टिव है। अब बच्चों आप ये कैसे जानोगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है, इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें मेटल्स के नाम लिखे होते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ऊपर होती है ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इसमें देखिए आपका, मैं दिखा दूँ आपका, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। देखिए सबसे ऊपर सोडियम का नाम है तो इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, फिर ये, फिर ये, फिर तो ये सारी बच्चों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए सोडियम सबसे ऊपर रखा गया, एल्युमिनियम के ऊपर मैग्नीशियम है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है बच्चों, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। फिर इस तरीके से जितनी भी मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। एल्युमिनियम इज आल्सो, ठीक है, ए फ्रेश सरफेस ऑफ द एल्युमिनियम गेट्स क्विकली कवर्ड विद अ थिन फिल्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब एल्युमिनियम एक्सपोज कर दी जाती है एयर में, यानी ओपन छोड़ दी जाती है, तो उसके ऊपर एक थिन लेयर जम जाता है ऑक्साइड का, ठीक है, हो गया। इट इज रिमूव्ड, इजिली रिमूव्ड बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। और सैंड पेपर का मतलब बच्चों रेगमाल होता है, रेगमाल से आप इसको रगड़ के क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों हमारे आपके घर में जो भगवान के बर्तन होते हैं पूजा करने वाले कॉपर के, वो भी जो है थोड़े दिनों के बाद डल हो जाते हैं, ठीक है। जो ब्रास के बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो भी थोड़े दिनों के बाद उनकी चमक चली जाती है। कारण क्या होता है कि उसके ऊपर ये लेयर जम जाता है। इसलिए बच्चों जो कॉपर का, हम लोग जनरली क्या होता है कि घर में बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं वो कहते हैं कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए रात में, तो इसका भी ध्यान रखा जाए कि कॉपर में ऑक्साइड ना हो, यानी उसके ऊपर कोई लेयर ना हो, पर डे वो बर्तन चमकाया जाए, ठीक है, वो सैंड पेपर से चमकाया जाए, या नींबू वगैरह से धोया जाता है तो उसका जो एसिड होता है वो ऑक्साइड होता है वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि अगर उसमें ऑक्साइड रहा और आपने बर्तन को नहीं धोया तो ऑक्साइड आपके लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसलिए वो भी आपकी बॉडी में पहुंच के आपको नुकसान करेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मेटल्स लाइक कॉपर, टिन, क्रोमियम, निकेल एक्सेट्रा आर नॉट कम्प्लीटली ऑक्साइड बियॉन्ड द सर्फेस इवन ऑन स्ट्रांग हीटिंग। ये जो आपकी मेटल्स दी हुई हैं स्ट्रांग हीटिंग पे ही ऑक्सीडाइज होती हैं। दीज मेटल्स आर देयरफॉर यूज फॉर द कोटिंग आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो बच्चों ये जो मेटल्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हो नाम दिया है कॉपर, टिन, क्रोमियम, निकेल, ये जो होती हैं ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होती। जब ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होती बहुत स्ट्रांग हीटिंग चाहिए इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए। तो इसीलिए ये जो मेटल्स होती हैं इनका यूज़ क्या किया जाता है, आयरन की जो चीज़ें होती हैं बच्चों उनके ऊपर इनका लेयर चढ़ा दिया जाता है ना। आप देखते हैं आजकल स्टील के गेट बन रहे हैं, स्टील की ग्रिल्स बन रही हैं, एक्चुअली वो स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम है, निकिल है, जो उस पर चढ़ा दिया जाता है आयरन पे, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती, मोर्चा नहीं लगता, जंग नहीं लगती, वो ख़राब नहीं होती, डल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इनका किया जाता है क्योंकि ये ईजिली जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती। फिर इसके आगे क्या है, ये देखिए सब लिखा हुआ है, ठीक है, ताले, साइकिल, डोर हैंडल्स इसके बनाए जाते हैं कोट करके, ठीक है, कोटिंग पर चढ़ा दी जाती है। अच्छा फिर आगे क्या है, आगे क्या कह रही है बुक आपकी, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग देम इन नाइट्रिक एसिड एंड स्ट्रांगली हीटिंग द मेटल्स नाइट्रेट दस फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको इन पे ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स लाइक गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गोल्ड और प्लेटिनम है बच्चों ये ऑक्साइड नहीं बनाता क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए आप देखते हैं कि गोल्ड का चमक नहीं जाता, प्लेटिनम का चमक नहीं जाता है, ठीक है। तो इनको नोबल मेटल्स कहते हैं, जो कि जनरली यूज़ किस में होती हैं, ज्वेलरी में यूज़ होती है बनाने के कारण, क्योंकि इनमें रस्टिंग भी तो होने का सवाल ही नहीं उठता, साथ में ये ऑक्साइड भी नहीं बनाती, यानी ऑक्साइड की लेयर भी नहीं चढ़ता इन पर, तो इनका जो चमक होता है वो मेंटेन रहता है।
सेकेंड आपका है रिएक्शन विद वाटर। तो आप ये समझ गए एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कुछ मेटल्स होती हैं तो बहुत इजीली ऑक्साइड हो जाती है, ऑक्सीडाइज होती है, जैसे कि सोडियम, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि वो जनरली खुले तौर से वो रिएक्शन कर लेती है और ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक्सप्लोजन कर सकती है। सेकेंडली आपका कुछ मेटल्स होती हैं जिनकी प्लेटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है लोहे वगैरह पे, जिससे उसको रस्टिंग से बचाया जा सके क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती। उसके बाद है बच्चों वाटर। जो भी आपकी देखिए शुरुआती मेटल्स दी हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, जब ये वाटर में पुट की जाती हैं तो वाइगर्सली यदि बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन होने के बाद बच्चों इनसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको आपको बहुत ध्यान देने की बात है। ठीक है, मेटल कौन सी, वो भी सोडियम या पोटेशियम या मैग्नीशियम, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम इस रिएक्शन को कराएंगे, वाटर लेंगे, छोटा सा पीस सोडियम का डालेंगे, उससे एक गैस निकलेगी। आप उस टेस्ट ट्यूब के एरिया पे, यानी ऊपर का जो एरिया होगा टेस्ट ट्यूब का, वहाँ पर हम एक माचिस की तीली, मैच बॉक्स का स्टिक जो है उसको ले जाएंगे, जलती हुई तीली ले जाएंगे, वो और तेज़ से पॉक साउंड के साथ चलने लगती है, जो टेस्ट ट्यूब का मुंह होता है वो पॉप साउंड करेगा, उसमें फायर पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप जान जाओगे कि हाँ हाइड्रोजन गैस है। तो इस ये चीज़ क्लियर होती है कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो आपको ये केमिकल बच्चों रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, अब इन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले क्लासेस में ये आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो सोडियम फिर वाटर, सोडियम का फार्मूला Na होता है, वाटर का H2 होता है, जब ये आपस में मैच करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो 2-2-2 यहाँ पे लगाए गए बच्चों, ये बैलेंस करने के लिए लगाए गए होते हैं, बैलेंसिंग आपको बाद में बताई जाएगी। मैग्नीशियम ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है स्लोली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन व्हेन रेड हॉट, जब ये रेड हॉट होता है तब ये स्टीम से रिएक्शन कर लेता है, तो ये आयरन हो गया आपका रेड हॉट, यानी बहुत लाल लाल लोहा हो बिल्कुल गर्म, और तब आप इसमें पानी मारिए, देखिए छन की आवाज़ होती है, बहुत तेज वेपर निकलती है, तो वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, रिएक्शन आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, एक एग्जांपल या दो एग्जांपल याद रखने हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों जो एसिड होता है वो गाढ़ा जिसको बोलते हैं, डाइल्यूट माने होता है बच्चों उसमें वाटर मिला दीजिए आप, ठीक है, उसको डाइल्यूट कहते हैं। जैसे शरबत आप बनाइए तो एक गिलास में आपने 4-5 चम्मच जो है स्पून शुगर डाल दिया तो बहुत मीठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेट। लेकिन अभी आप एक गिलास में आधा चम्मच ही शक्कर डालें तो वो डाइल्यूट होगा। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या होता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये देखिए साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये सोडियम मेटल था, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे इसने रिएक्शन किया तो देखिए ये साल्ट बना, ये मेटल ये नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल साल्ट होता है, तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर साल्ट बनाया और यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी रिलीज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिंक रिएक्ट एट मॉडरेट रेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, एंड जिंक भी यहाँ पर रिएक्शन करती है, ये बहुत फेमस रिएक्शन होती है जिंक की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि मेटल अगर नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाए, देखिए सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन आपकी गैस होती है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड बन रहा है, आपको ध्यान रखना होगा यस है तो सल्फाइड, क्योंकि ये सल्फाइट भी होता है सल्फेट भी होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है आपको बताया जाएगा बाद में। फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, मेटल शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन, ये तीन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम डायरेक्टली कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इधर आपका क्या है, मैग्नीशियम मेटल है ये नॉन मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, वही पहली रिएक्शन आ जाएगी, मैग्नीशियम सल्फर के साथ मिलता है तो सल्फाइड बनता है, क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्लोराइड बनता है, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, अगर O लग गया है तो ऑक्साइड, S लग गया है तो सल्फाइड, और Cl लग गया है तो क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा Cl2 या Cl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसे लगता है वो भी आपके लिए हायर विषय है। ठीक है,
तो ये आपकी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, एक हेडिंग नोट किया क्या होता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, क्योंकि मेटल्स का जो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था तो उसके अपोजिट जस्ट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का था, वो चमक था, उसमें चमक नहीं था इस तरीके से। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का पढ़ चुके हैं तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नॉन मेटल का भी स्टडी करना पड़ेगा। तो नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, जैसे मेटल रिएक्शन कर रही थी एयर के साथ तो ऑक्साइड बना रही थी, नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू ऑक्साइड फॉर्म करती है। सिमिलरली जैसे मेटल वैसे ही नॉन मेटल। अब नॉन मेटल सल्फर है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन है क्या कहानी यहाँ पे, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल की, यहाँ नॉन मेटल नॉन मेटल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि नॉन मेटल एयर के साथ क्या रिएक्शन करेगा। एयर का मतलब ऑक्सीजन है, बस इतना समझना है आपको। तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, देयर द ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होंगे, ठीक है, या न्यूट्रल होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड द एसिडिक ऑक्साइड हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जब ये जो ऑक्साइड होते हैं इनको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे आप तो एसिड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। नॉन मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म ऑक्साइड, व्हेन दिस ऑक्साइड इट डिजॉल्व इन द वाटर इट गिव एसिड। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एसिड क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये आपके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर ये एसिडिक है नेचर में तो फिर जैसे ही वाटर के साथ आप इनको डिजॉल्व करेंगे आपको एसिड मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर SO2 बना हुआ था, इसको जो आप वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड आपको मिला है, H2SO3 आपको फार्मूले भी याद करने हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अभी यहाँ पे H2SO4 हो जाता तो इसका नाम बच्चों हो जाता सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अभी सल्फ्यूरस है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाएगा तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एसिड रेन बच्चों इसी के कारण हो जाती है, ठीक है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, पानी बरस गया तो मिक्स होकर के एसिडिक रेन भी कराते हैं, ठीक है, ये भी एसिड बरस जाता है। सल्फर भी होती है आपकी एयर में। रिएक्शन विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल नॉन रिएक्टिंग विद वाटर हेल्प टू प्रोटेक्ट सर्टेन नॉन मेटल्स विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। फॉस्फोरस फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट रेडिली विद ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू एयर, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड अंडर वाटर टू प्रिवेंट इट कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, क्लोराइड बनाएगी। बच्चों देखो हाइड्रोजन क्लोरीन तो क्लोराइड बना, यहाँ अमोनिया बनती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अमोनिया गैस होती है, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में बर्फ़ को जमाने में काम आती है। तो नाइट्रोजन प्लस 3H2, यहाँ पे 2NH3, ये अमोनिया का फार्मूला है 2NH3, इसे आपको याद भी रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एक्टिविटी सीरीज। होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए कि दो ऐसे चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं जिसमें एक के पास सोडियम है, एक के पास मैग्नीशियम है, तो ये सोडियम क्या करेगा, दूसरे वाले में से इस मैग्नीशियम को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, यानी ऊपर वाला अपने नीचे वाले को रिमूव करेगा, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, कॉपर एक मेटल होता है आप जानते हैं, और ये रिएक्शन कर रहा है आयरन से। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो होगा क्या बच्चों, आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर से, तो ये कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। देखिए SO4 के साथ आयरन बैठ गया और कॉपर हट गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप याद रखेंगे अच्छे ढंग से, ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए मैग्नीशियम का केस आ गया, मैग्नीशियम भी यही काम करता है, चूंकि आप इसमें देखोगे तो मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर बहुत नीचे है। एक्टिविटी सीरीज में आप देखो मैग्नीशियम यहाँ है और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब मैग्नीशियम इज़ मोर पावरफुल देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन से कॉपर को यह कर देता है रिमूव। मैग्नीशियम था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, नीले कलर का, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, इसको भी याद रखना है। और जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और इसका कोई कलर नहीं होता, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। जिंक के साथ जब रिएक्शन करेगा
तो क्या होगा, ये भी कलरलेस होगा, कापर अलग हो जाएगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन अ कलरलेस सोल्यूशन इज फॉर्म, नेम द कलरलेस सोल्यूशन। तो कौन सा कलरलेस सोल्यूशन होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का होगा, ठीक है। टू स्टडी वेदर कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, कह रहे हैं कि इसमें स्टडी करना है। टू स्टडी वेदर कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, प्लेस ए क्लीन कॉपर स्ट्रिप इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। देखिए कि थोड़ा सा उल्टा कहानी कर दिया, अब कि यहाँ पर क्या है, सल्फेट आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया टेस्ट ट्यूब में और इसमें कॉपर की स्ट्रिप डाली गई है। टेक आउट द स्ट्रिप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इसको आप निकाल लीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिपॉजिट ऑन कॉपर स्ट्रिप, क्या आपको कॉपर स्ट्रिप के ऊपर कुछ डिपॉजिट मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी थिंग ऑन कॉपर, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और जो ये है ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी थिंग ऑन कॉपर, दिस प्रूव दैट कॉपर कांट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन कंपाउंड। तो फिर कॉपर जो है वो आयरन के सोल्यूशन से आयरन को नहीं हटा सकता, लेकिन आयरन जो है वो कॉपर के सोल्यूशन से कॉपर को हटा सकता है, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी पीछे दिया हुआ है, तो आपको ये देख लेना है, कर लेना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज ये दी हुई है, मैंने आपको बता दिया रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है। इसमें जो मेटल सबसे ऊपर है ये मोर रिएक्टिव, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये की रिएक्टिविटी सीरीज है। उसके बाद है बच्चों कोरोजन। कोरोजन आप जानते हैं जंग लगना होता है, ठीक है। द वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। आपको एक फिगर भी दिया हुआ है, आपके घर में भी तमाम चीज़ें ऐसी होंगी, जनरली बाथरूम वगैरह में जो लोहे के दरवाजे लगा दिए जाते हैं फॉर सम टाइम, वो नीचे से सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, उनसे जो आयरन की परत है वो अलग होने लगती है, आप देखेंगे, ठीक है, वो झड़ने लगता है। तो ये यही आपकी रस्टिंग है, इसी को कोरोजन कहते हैं, कि लेयर बाय लेयर वो खत्म होने लगता है। दिस वियरिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर इज नोन एज कोरोजन, आपको याद रखना है कोरोजन क्या होता है। हैवी एयर ऑब्जर्व द मेटल ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, जनरली ये खुली हवा में छोड़े जाएंगे तब कोरोड हो जाते हैं, जंग लग जाती है अगर हवा में नमी है, और वाटर में तो हो ही जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग एक्चुअली होता क्या बच्चों, ये जो आपकी होती है ये आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, आपने अभी पढ़ा था ना कि आयरन जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड की लेयर जो होती है मेटल से अलग होती रहती है, और मेटल जो है कोरोड होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट कर दिया जाता है या कोटिंग कर दी जाती है, दूसरे मेटल की कोटिंग आयरन पर कर दी जाती है, ठीक है, निकल की कर दी जाती है या कॉपर की कर दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो बचा रहता है, ठीक है, या उस पर आयलिंग कर दी जाती है, ग्रीसिंग वगैरह कर दी जाती है, तो उस पर रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। आपके यहाँ इन्वर्टर के बैटरा होंगे, आपने देखा होगा उसमें जो बोल्ट लगे होते हैं उस पर रेसिड्यू बहुत कलेक्ट हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए आप देखते होंगे कि उस पर वैसलीन लगा दिया जाता है, उसके साथ में आता है, जिससे कि वो कोरोड ना हो, ख़त्म ना हो बोल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है ना बच्चों, रेड कलर का होता है, भी ध्यान रखिएगा। आपको आप जब SST में देखोगे तो वहाँ पे जो आर्कटिक रीजन है पोल्स पे, जो बहुत ठंडा है, जहाँ सिवाय बर्फ़ के कुछ नहीं है, जहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जाती है, वहाँ एक खूनी नदी पाई जाती है, लाल रंग का झरना वहाँ पे बहा करता है। तो एक्चुअली बच्चों वो खूनी नदी, उसमें ब्लड नहीं होता है, वो है बिल्कुल बड़ी, लेकिन वो खून नहीं है। तो आया कहाँ से, वो बच्चों आयरन ऑक्साइड ही है, वहाँ से मिनरल आयरन जो है वो फ्लो होता है, वाटर के साथ मिलकर के वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और पूरा लाल खूनी रंग वहाँ से बहता रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है खून निकल रहा हो, जो कि है वो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए। उसके बाद है आपका मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, बाय पेंटिंग, पेंट करके, ग्रीसिंग, ग्रीस व्रीस लगा करके, एंड गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन का मतलब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन शीट टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ गिविंग ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोट चला देते हैं। आपके यहाँ देखते होंगे, आपके यहाँ जो बक्से एक्से बन के आते हैं, तो वो आप देखिए उसका एक विशेष, वो लोहा भी नहीं लगता है, आपको लगता है ऐसे दूसरे चीज़ का किसी का है, जबकि उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, जिंक की, इससे उसमें मोर्चा जल्दी नहीं लगता, जंग जल्दी नहीं लगती है। यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आप पढ़ लीजिएगा, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद बच्चों अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं कि आखिर ये मेटल पाई कहाँ जाती है और कैसे फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो अकरेंस ऑफ मेटल है वो आपके लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इसको डीपली पढ़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो बच्चों मेटल्स होती हैं ये अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, जिनको माइनिंग करके हम लोग निकालते हैं,
खादानें होती हैं इसकी, बहुत नीचे पाई जाती हैं ज़मीन के अंदर माइंस में। तो कहीं पे लोहे की माइंस हैं, कहीं पर एल्युमिनियम की माइंस हैं, कहीं पर कॉपर की माइंस हैं बच्चों, कहीं पे गोल्ड की भी माइंस हैं, सोने की खदानें, वहाँ से सोना निकलता है, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में। चलिए, जैसे बच्चों बात क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। बच्चों मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, ऐसा नहीं कि आपने खदान खोदी आपको लोहा मिल गया, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसको हम लोग प्योर करते हैं बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग प्योरीफाई करते हैं, उन चीज़ों को हटाते हैं और वहाँ से मेटल को कलेक्ट करते हैं। तो बच्चों द नेचुरल मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। ऐसी मिनरल जिसमें मेटल होती है बच्चों उसको ओर बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसी मिनरल जो ज़मीन से खोद के निकाली जाती है जिसके अंदर मेटल मौजूद होती है उसको हम लोग कहते हैं ओर। द अनवांटेड मटीरियल सच ए रॉक्स सॉयल्स एंड सैंड्स। अच्छा, अब जब वो ज़मीन के अंदर है तो उसके अंदर धूल मिट्टी भी होगी, बालू भी होगी, चट्टानें भी मिक्स होंगी, तो इन सबको बच्चों हम लोग गैंग बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ गैंग प्रेजेंट ओर आर क्लासिफाइड हाई ग्रेड ओर्स एंड लो ग्रेड ओर्स। जिसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, धूल मिट्टी है, चट्टानें हैं, रेत है, मोरंग बालू मिली है, उसको बोलते हैं लो ग्रेड ओर्स। जिसमें थोड़ा सा कम है, जिसको साफ करना आसान है, उसको हाई ग्रेड ओर्स बोलते हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट ओर आर ऑक्साइड एंड सल्फाइड। जो ओर होती हैं बच्चों वो ऑक्साइड और सल्फाइड में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। आप देखिएगा, एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखो यहाँ पर ओर का नाम है हेमेटाइट, बस नाम आपको याद रखना है, ओर का नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट है क्या? ये आयरन ऑक्साइड है, यहाँ से निकाला जाता है आयरन, आप जानते हैं। फिर देखिए आयरन पाइराइट, इसका केमिकल फार्मूला है FeS, ये क्या है? सल्फाइड है। अभी आपने पढ़ा है ना कि जो ओर होती हैं वो सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में होती हैं, तो इन दोनों से आयरन खूब निकाला जाता है। बॉक्साइट Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये एल्युमिनियम का ओर है, यहाँ से एल्युमिनियम फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। इधर आप देखो गैलेना, ये यहाँ से लेड निकाला जाता है, लेड मेटल, ठीक है। क्रोसाइट, यहाँ से लेड निकाला जाता है। तो आपको इसमें याद कौन सी करनी है? गैलेना याद कर लेनी है, रॉक साल्ट याद कर लेना है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, कैलामाइन, लेथार्ज, सिन्नावार, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इधर की याद रखनी है। तो सिन्नावार से क्या निकाला जाता है? मरकरी। मरकरी जानते हैं, जो हमारे थर्मामीटर में आगे लगी भरी होती है, चमकीली होती है ये मेटल, ठीक है, लिक्विड मेटल होती है। तो आपको इस तरीके से इनको फाइंड आउट करते हैं, नोबल मेटल्स, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे साफ करते हैं, क्या करते हैं, ये मेटलर्जी का पोर्शन है बच्चों, ये आप क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल्स को हम लोग प्योर करते हैं ओर से निकाल करके। बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है जहाँ ये मेटल्स प्योरीफाई की जाती हैं। नोबल मेटल्स के बारे में आप जानते हैं, नोबल मेटल्स आपकी गोल्ड होती है, प्लेटिनम होती है, ये कभी भी करोड नहीं होती, इसमें जंग नहीं लगती, इनकी चमक नहीं जाती, इसलिए नोबल है। इनका बनाया जाता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड होती है वो कैरेट में मीज़र की जाती है, जो प्योर गोल्ड होता है उसको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जनरली 22 कैरेट गोल्ड यूज़ किया जाता है मार्केटिंग में, और गोल्ड में ब्रास वगैरह भी मिला देते हैं, जिससे कि उसका जो है, क्योंकि अगर बिल्कुल प्योर ले लेंगे फिर उसका आर्नामेंट नहीं बनेगा, चूँकि वो इतना सॉफ्ट होता है, तो थोड़ी सी उसमें स्ट्रांगनेस के लिए ब्रास वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। तो आपने सब सीख लिया, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा बैठ करके घर पर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर से व्हाट्सएप करिएगा। आपका ये लेसन हो गया है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, आपकी साइंस की जो बुक है क्लास 8 की, इसमें आपका लेसन 6 जो है, इसमें जो ये फाइबर वाले लेसन है, ठीक है, लेसन 3 ये आपका रिमूव है, इसको ध्यान रखिएगा। लेसन 3 आपका रिमूव है, लेसन 5 आपका रिमूव है, कोल एंड पेट्रोलियम, और आपका रिमूव है ये लेसन 15 रिमूव है बच्चों, लेसन 17 रिमूव है, ठीक है। इतने लेसन आपके रिमूव हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं ड्यू टू COVID-19। उसके अलावा आपके सारे लेसन पढ़ने हैं, और अभी आपका लेसन नंबर 4 ओवर हो गया है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्बस्टन एंड फ्लेम को। ओके बच्चों, ठीक है, आप लोग अपना काम करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए। मैं अनूप कुमार, मिलता हूँ आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन।